चैनल डॉक्टर आशुतोष से आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है यूनिलेटरल गायनेकोमेस्टिया। दोस्तों आप जानते हैं कि जो गायनेकोमेस्टिया है वो फीमेल लाइक चेस्ट अपने मेल चेस्ट पे बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं, जिसपे आपको दूध बनाने की ग्रंथि आपके नीपल के नीचे बन जाती है, जिसको ग्लैंड बोलते हैं, और ग्लैंड के आजू बाजू फीमेल लाइक फैट यहाँ पे डेवलप हो जाती है। ये जो गायनेकोमेस्टिया है ज्यादातर लोगों को बायलेटरल माने दोनों ही तरफ होता है, लेकिन किसी किसी को यूनिलेटरल गायनेकोमेस्टिया होता है, माने कि एक साइड पे ही गायनेकोमेस्टिया डेवलप होता है, दूसरी साइड टोटली नॉर्मल होती है। तो ये गायनेकोमेस्टिया यूनिलेटरल क्यों होता है उसका ज्यादा कोई कारण पता नहीं चलता, लेकिन हो सकता है कि रिसेप्टर की सेंसिटिविटी से ऐसा हो सकता है। तो ये जो यूनिलेटरल गायनेकोमेस्टिया है उसकी ट्रीटमेंट भी करवाना जरूरी है, क्योंकि इसमें आपकी चेस्ट काफी एसिमेट्रिक लगती है, एक साइड नॉर्मल है, एक साइड फीमेल लाइक ब्रेस्ट है, तो वो आपको सोशल कमेंट्स का शिकार बनाती है, आप कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते हैं, और आपका जो कपड़े हैं उसमें भी आपका लुक बहुत ही अलग दिखता है। तो वैसे में आप यूनिलेटरल गायनेकोमेस्टिया का भी वर्चुअली स्कारलेस सर्जरी प्लास्टिक सर्जन के पास करा सकते हैं। इसमें भी लाइपोसक्शन और ग्लैंड एक्सिजन करके आपको डे केयर सर्जरी से आपके यूनिलेटरल गायनेकोमेस्टिया से मुक्ति मिल सकती है। तो यूनिलेटरल गायनेकोमेस्टिया के बारे में अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये वीडियो के एंड में है, उसके ऊपर सुबह 8 से लेकर शाम के 8 के बीच आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपने आपका अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।